वर्जन 4 का पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन हुआ है। कंप्लीट कमिश्निंग हो चुकी है, इसकी लग चुका है। बाय चांस ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। एक तरीके से ड्राइवर की लाइफ में बहुत बड़ा एक इसमें सुधार आया है और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा इससे सुधार आया है। काफी दूर तक की जो लोकेशन जो बताता है उसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका है और हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे नौकरी के कार्यकाल के दौरान इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी हम यूज कर पाएंगे। आज हमें गर्व है कि कम से कम हमारे रहते रहते हम अपने हाथों से ऐसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे तो उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कवच का डेवलपमेंट 2016 में चालू हुआ और 2019 तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, सर्टिफिकेशन हुआ, उसके बाद में भी उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए, नए नए वर्जन लाए गए और वर्जन 4.0 16 जुलाई 2024 को अप्रूव हुआ। RDSO ने अप्रूव किया। वर्जन 4 का पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन हुआ है। कंप्लीट कमिश्निंग हो चुकी है, इसकी लग चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है, आज इसका इंस्पेक्शन था। तो बहुत ही एक अच्छी सुविधा है। आप देखोगे इसमें कवच में, अगर आप कवच की स्क्रीन देखो तो इसमें इस स्क्रीन में कई किलोमीटर दूर का जो सिग्नल है वो सिग्नल पहले ही ड्राइवर को यहीं पे दिखाई दे जाता है। कितनी स्पीड पे चला सकता है गाड़ी ड्राइवर वो इसमें क्लियर आ जाता है। अगर ड्राइवर उससे ज़्यादा स्पीड करे तो कवच ऑटोमेटिकली स्पीड को कम कर देता है, ब्रेक लगा देता है। रेड लाइट अप्रोच हो रही है और उसमें ब्रेक लगाना है, बाय चांस ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। एक तरीके से ड्राइवर की लाइफ में बहुत बड़ा एक इसमें सुधार आया है और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा इससे सुधार आया है। जिस तरह रफ्तार बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन भी बढ़ रही हैं, कोचेस भी बढ़ रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं? लगातार रेलवे बढ़ता जा रहा है। देखो, रेलवे गरीब परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की सवारी है, इसलिए बहुत बड़ा फोकस है। 12,500 जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। प्रयास ये रहेगा कि हर ट्रेन में कम से कम 4 जनरल कोच हो और उसके 4 के बाद में फिर 6 करेंगे। अमृत भारत ट्रेन ऐसी बनी है जो 22 में से 11 कोच स्लीपर और 11 कोच जनरल। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नमो भारत ट्रेन भी लाए जिससे कि कम डिस्टेंस के बीच में एक हाई फ्रीक्वेंसी पे गाड़ी चल सके। वंदे स्लीपर भी बन गई जो कि ओवरनाइट ट्रेन है और वंदे भारत अपने आप में देश भर में सभी ने इसको अच्छे से एक्सेप्ट किया है। 98% के आसपास टोटल ऑक्यूपेंसी है। विपक्ष के MP साहब भी आते हैं तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ वंदे भारत चलाइए। तो जो राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं रेलवे की, उनसे भी निवेदन करूँगा कि रेलवे एक ऐसी संस्था है जो देश के लाइफलाइन है और इसमें बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करें और फोकस करें। रेलवे में सभी का सहयोग चाहिए, राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए, पुलिस का सहयोग चाहिए, कर्मचारियों का सहयोग चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए, पैसेंजर्स गाड़ी को साफ रखें उनका सहयोग चाहिए। हर एक व्यक्ति का, पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, सभी का, जो हमारे साथ हैं, हमारे साइड हैं, जो हमारे ऑपोजिशन में है, जो न्यूट्रल है, उन सब के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस देश को हमें भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए रेलवे पर फोकस करके काम करना है। हमें इसे गर्व है कि सर हमारे साथ में थे, हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। बाकी कवच की बात करें तो काफ़ी दूर तक की जो लोकेशन जो बताता है उसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका है और हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे नौकरी के कार्यकाल के दौरान इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर पाएंगे। मगर आज हमें गर्व है कि कम से कम हमारे रहते रहते हम अपने हाथों से ऐसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे तो उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे लिए तो बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि कहाँ कितनी स्पीड रखनी है वो सब हमें एक ही मॉनिटर के अंदर ही समाहित होकर के मिल रहा है और सिग्नल के एडवांस लोकेशन कई 8-8, 7-7 किलोमीटर दूर तक के सिग्नल के हमें एडवांस मालूम पड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब दूर तक दिखाई देता है तो ड्राइवर का कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।